वेलकम टू सनीज किचन। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है मसाला टोस्ट। ये मुंबई की फेमस सैंडविच है, हर एक गली में आपको ये मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आसान सी रेसिपी जल्दी से बना लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, मसाला टोस्ट सैंडविच बनाने के लिए हमें इन सारी चीजों की जरूरत होगी। मैंने यहाँ पे 4 ब्रेड स्लाइसेस लिया है। आप जितनी सैंडविच बनाओगे उसके हिसाब से ब्रेड स्लाइसेस लीजिए। और मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड यूज कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप चाहे तो व्हाइट ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 आलू उबला हुआ, जिसका छिलका निकाल के स्मैश करके रख लिया है। 1 टमाटर, जिसे मैंने चॉप करके रख लिया है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो स्लाइसेस में भी ले सकते हैं। और थोड़ी सी हरा धनिया चॉप किया हुआ, दो तीन लेंगे हम। अनियन के स्लाइसेस, बटर 2 टेबल स्पून, नायलन सेव ये 1/4 कप लिया है। ये मार्केट में इजिली अवेलेबल है। और मैंने ये लंबा लंबा काटी हुई शिमला मिर्च लिया है 1/4 कप। थोड़ी सी करी लीव्स यानी कि करी पत्ता, और 2 हरी मिर्च जिसे मैंने चॉप करके रखा हुआ है। 1 टीस्पून हम लेंगे गरम मसाला, और नमक लेंगे टेस्ट के अनुसार। थोड़ी सी राई, जीरा, मस्टर्ड सीड्स एंड क्यूमिन सीड्स। 1 टीस्पून हम लेंगे चाट मसाला, और 1/4 कप लेंगे हरा वटाना यानी कि ग्रीन पीस। और मैं बीटरूट उबला हुआ बीटरूट के स्लाइसेस ले रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसको उबाल के मैंने स्लाइसेस किया हुआ है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसमें से कुछ वेजेस अवॉइड भी कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, जैसे ग्रीन पीस स्किप कर सकते हैं, या फिर बीटरूट कोई भी अगर घर में अवेलेबल ना हो तो इसमें से आप स्किप कर सकते हैं। और ये ग्रीन चटनी लूंगी, और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, और मैंने ये शेयर कर रखा है, तो आप जाके देख लीजिए। तो चलिए हम इसके स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया है, फ्लेम ऑन कर लिया है। इसमें हम लेंगे थोड़ी सी बटर, इसमें हम डाल देंगे ये राई जीरा, अभी हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली और ये करी लीव। इसमें डालेंगे ये चीज। फ्रेंड्स, मैं ये फ्रेश वाली यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो बॉइल्ड भी यूज कर सकते हैं। इसे हम थोड़ी सी कुक होने देते हैं, क्योंकि हमने ये फ्रेश मटर यूज किया है। हल्दी पाउडर डाल देंगे, इसमें हम डालेंगे टमाटर, सॉल्ट भी डाल देते हैं। टमाटर को सौते कर लेते हैं। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं, और हम ये बॉइल स्मैश करके रखा हुआ पोटैटो डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अभी डालेंगे ये कोरिएंडर लीव्स, और फाइनली थोड़ी सी चाट मसाला। और ये हमारा मिक्सर रेडी है, अभी फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसे हम ज्यादा चिल नहीं करेंगे, लेकिन रूम टेम्परेचर में आने के बाद ही हम सैंडविच बनाएंगे। अभी हम सैंडविच बना लेते हैं। देखिए, मैंने ब्रेड्स को इस तरह से फैला लिया है। इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके बटर लगाएंगे, हर एक ब्रेड स्लाइसेस में हमें बटर लगानी है। ये बटर लगा लिया है, अब हम लगाएंगे ये ग्रीन चटनी, ये भी इवनली हम फैला लेंगे अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, ये चटनी थोड़ी सी स्पाइसी होती है, तो आप अगर ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो कम क्वांटिटी में लगाइए। हमारा जो स्टफिंग मसाला हमने बनाया था, ये लगा देंगे। इसे हम अच्छी तरह से हर एक ब्रेड स्लाइसेस में फैलाते हुए लगाएंगे।
दोनों ब्रेड स्लाइसेस में नहीं लगानी है, दो ब्रेड स्लाइसेस में हम ये मसाला लगाएंगे। और जिसके ऊपर हमने मसाला लगाया है उसके ऊपर हम ये शिमला मिर्च भी डाल देंगे। ये शिमला मिर्च को भी फ्रेंड्स आप स्लाइसेस में करके डाल सकते हैं। अभी हम इसमें ये अनियन के रिंग्स रखेंगे। दूसरी वाली में भी हम इसी तरह से रख लेंगे। अभी हम ये बीटरूट के स्लाइसेस भी डाल देते हैं। फ्रेंड्स हमने स्टफिंग में जो हमने मसाला बनाया उसमें हमने टमाटर डाल दिया था, अगर उसमें अगर नहीं डालेंगे तो स्लाइसेस करके अभी जैसे हम लोगों ने बीटरूट और अनियंस लिया है उस तरह से टमाटर के स्लाइसेस रख के भी आप कर सकते हैं। और इसमें हम ये चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी, और अभी ये दूसरी वाली ब्रेड स्लाइसेस है जिसमें हमने स्टफिंग कुछ भी नहीं लगाया था, इसको हम इस तरह से पलटते हुए इसके ऊपर रखेंगे और ये वाला भी इसी तरह से रखेंगे। देखा फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम फिर से बटर लगा लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा सैंडविच में हमने अच्छी तरह से बटर टॉपिंग कर लिया है, ये अभी टोस्ट होने के लिए रेडी है। फ्रेंड्स आप इसे टोस्टर में या फिर तवा पे भी टोस्ट कर सकते हैं। मैं ये हैंड टोस्टर ले रही हूँ, इसमें मैं टोस्ट करने वाली हूँ। इसे डायरेक्टली गैस पे टोस्ट किया जाता है और इसे हम अच्छी तरह से ग्रिल कर लेंगे ताकि हमारा टोस्टर टोस्ट जो है हमारा जले ना, अच्छी तरह से निकल जाए इसमें से। तो बटर या ऑयल के साथ किसी से भी आप ग्रीस कर लें। फ्रेंड्स ये टोस्टर को मैंने ग्रीस कर लिया है, इसके ऊपर हम अपना सैंडविच रखेंगे और इसे हम क्लोज कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से बंद करके इसका लॉक लगा लें। देखिए इस तरह की लॉक होती है इसमें, ये लॉक को लगा लें और इसे डायरेक्ट गैस पे पकाएं। एक साइड का हम 2 मिनट पकाएंगे, इसके बाद टर्न करके और 2 मिनट के लिए इसे टोस्ट होने देंगे। दूसरी साइड ये लाइट ब्राउन कलर के टोस्ट होनी चाहिए, लाइट ब्राउन कलर की हो जाए तब हमारा टोस्टर रेडी हो जाएगा। अभी इसे हम टर्न करेंगे, ध्यान रखें फ्रेंड्स ये जले ना, तो थोड़ा सा टर्न करते हुए इसे टोस्ट करें। चेक कर लेते हैं कि ये रेडी हो गया कि नहीं। वाव, देखिए इसका कलर परफेक्टली लाइट ब्राउन कलर आया है, अभी ये रेडी है। इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छी तरह से बना है। इसी तरह हमारे दूसरे सैंडविच को भी हम टोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स ये सैंडविच को हमें इसे स्क्वेयर शेप में काटने के बाद हम इसके ऊपर फिर से थोड़ी सी बटर लगाएंगे। एंड इसके ऊपर फिर से थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाल देंगे। और हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से नायलॉन के सेब। दैट्स इट, ये तैयार हो गया है हमारा मसाला टोस्ट सैंडविच। आपको दिखाऊंगी ये किस तरह की बनी है, आप देख सकते हैं ये पूरा फिल हुआ है। और देखिए इसके अंदर पूरा, देखिए ये हमारा बीटरूट के कलर और ग्रीन चटनी स्टफिंग पूरा भरी हुई है इसके अंदर। फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और मेरे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स प्लीज़ ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।